आई, आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मैं प्रसन्न होकर कहता राधे राधे। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बढ़ जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध ईर्ष्या लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करना? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। राधे राधे। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना, किंतु यदि मन में बसा प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सबसे अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सबसे अधिक सरल, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं नहीं, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई विशेष गुण होता ही। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की, इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएगी, पराए भी आपको अपना मानकर गले लगे। बस प्रेम भाव को ऊपर राधे। इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में ये हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है? क्या इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंथता है, मथता
फिर उसके पश्चात उसे एक चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि ये मटका टूटे। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है तपने के, और उसके पश्चात शीतल जल देने वाला यह पात्र हमें प्राप्त होता है। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता, उसी के साथ हमें सहारा भी देता, और फिर उसके पश्चात परीक्षा की अग्नि उस भट्टी में छोड़ देता जलने के लिए, और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हुई, उनसे क्रोधित ना हुई, क्योंकि वही वो कुम्हार है जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देंगे। राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उन पर उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या, ये है आपका लक्ष्य, ये है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बनाते तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते, निर्णय आपका। राधे राधे। जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझूं तो बात कुछ यूं है, यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पाव की मूंछ नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते रहें, राधे राधे। जीवन में हम अपनों के लिए